नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शायन परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले आज की कुछ खास सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। भारत की हरनाम सुरदू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। देश में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी। केंद्र सरकार से समझौते के बाद जीत का जश्न मनाते हुए किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर से घर लौटने लगे। सोशल मीडिया पर विरोध के बाद विवादों में घिरे CBSE बोर्ड ने अपनी गलती मान ली। इन सारी खबरों की जानकारी हम आपको इन 25 बड़ी खबरों में बताएंगे, तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। 21 साल की हरनाज संधू 70वीं मिस यूनिवर्स चुनी गई। 21 साल पहले लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। पराग्वे और दक्षिण अफ्रीका की प्रतियोगियों को हराकर हरनाज ने ये खिताब अपने नाम किया। देश में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 38 केस आ चुके हैं और कई अब भी ऐसे संदिग्ध जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चुताया है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट वैक्सीन को भी मात दे रहा। कृषि कानून की वापसी और अन्य मांगों पर केंद्र सरकार से समझौते के बाद जीत का जश्न मनाते हुए किसान दिल्ली के सभी बॉर्डर से घर लौट रहे। बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर से सभी किसान लौट गए। वहीं गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से किसानों की वापसी जारी है। सिंघू बॉर्डर से 95% अवरोधकों को हटा लिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने फेज 1 और 2 सहित तमाम इंटरचेंज स्टेशनों पर विशेष साइनेज लगाने का काम कर रहे हैं। इससे यात्रियों को दूर से ही टिकटिंग सिस्टम मैप, पहली और आखिरी ट्रेन का समय और हेल्पलाइन नंबर, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, खोया और पाया सहित कई अहम जानकारियां मिल पाएंगी। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर खड़े और सड़क पर चल रहे 15 साल पुराने वाहन अब जब्त होने के बजाय सीधे स्क्रैप करने वाली कंपनी की यूनिट में जाएंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग ने नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। SOP के अनुसार अब जब्त वाहन सीधे स्क्रैप यूनिट में भेजे जाएंगे। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ का नया धाम बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण किया। शहर का पूरा माहौल शिवमय बना हुआ है। बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का नजारा दिवाली जैसा है। 54,000 वर्ग मीटर में फैले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर पूरा धाम दीपक की रोशनी में सराबोर है। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव को कृष्ण लड़की से शादी करने पर दी बधाई। सुशील मोदी ने कहा है कि दूसरे धर्म में विवाह कर तेजस्वी यादव ने काफी हिम्मत का काम किया है। सुशील मोदी ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव चाहे तो सरकार की उस योजना के तहत 50,000 प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार अंतर जातीय दूसरे धर्म में शादी करने को बढ़ावा देती है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के स्कूलों को दिल्ली की तरह बेहतर करने का दावा किया है। कहा है कि पंजाब के स्कूलों को ठीक कर 24 लाख बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाएंगे। साथ ही दिल्ली का शिक्षा मॉडल इतना बेहतर हुआ है कि 2 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। किसान आंदोलन के स्थगन के फैसले के बाद आगे की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि 15 दिसंबर तक सभी किसान धरना स्थल छोड़ देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए समय समय पर महापंचायत का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र देना होगा। इसमें कोई शुल्क बकाया नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र देना जरूरी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग 70 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करेगा। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। सोशल मीडिया पर विरोध और प्रियंका गांधी के बयान के बाद विवादों में घिरे CBSE बोर्ड ने अपनी गलती मान ली है। बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि 11 दिसंबर को हुई CBSE बोर्ड 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा में पूछा गया पैसेज बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार नहीं था और ऐसे में बोर्ड सभी स्टूडेंट्स को इस सवाल के लिए पूरे नंबर देगा। दिल्ली में पहले कोरोना और फिर वायु प्रदूषण के कारण बंद हुए स्कूल अभी बंद ही रहने वाले हैं। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर हुई
रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि स्कूलों को खोलने का फैसला विंटर वेकेशन की छुट्टी के बाद लिया जाएगा। नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पिछले हफ्ते स्ट्राइक वापस ले ली थी। अब संभव है कि बड़े स्तर पर विरोध को फिर से शुरू किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 27 नवंबर से काउंसलिंग और एडमिशन की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। शिक्षा जगत के बाद अब मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों की बात कर लेते हैं। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे 14 दिसंबर को अपने बॉयफ्रेंड विकी जैन से शादी करने के लिए तैयार है। रविवार को अंकिता और विकी की सगाई थी, जिसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। सालों से बन रही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार है। 11 दिसंबर को आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक खुलासा किया। फिल्म का मोशन पोस्टर 15 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। आयुष्मान खुराना की चंडीगढ़ कड़ी आशिकी के जरिए एक बार फिर से अलग तरह की कहानी लेकर आए हैं। कमाई के मामले में उनकी इस फिल्म की शुरुआत धीमी जरूर रही है, लेकिन वीकेंड पर रफ्तार पकड़ती नजर आई। फिल्म को दिल्ली NCR और पंजाब में सबसे अच्छा रिस्पांस मिला। इसके अलावा मुंबई में भी दर्शक काफी संख्या में फिल्म को देखने पहुंचे। मनोरंजन जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स की। मौसमी दशाओं का साथ देने की वजह से दिल्ली NCR की हवा में हल्का सुधार हुआ है। इस कड़ी में ग्रेटर नोएडा की हवा 152 AQI के साथ सबसे साफ रिकॉर्ड हुई। सफर का अनुमान है कि 15 दिसंबर के बाद हवा की गुणवत्ता में अधिक सुधार हो सकता है। पहाड़ों पर बीते सप्ताह से हो रही बर्फबारी के थमने के साथ ही उत्तर भारत में मौसम बदल रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में वाहनों की भीड़ देखी गई। अटल सुरंग और सिस्कू के बीच वाहनों की लंबी कतार दिखी, जहां लोग बर्फ से ढके क्षेत्र में उमड़ रहे थे। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। मुंबई में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी प्रैक्टिस करने में जुट गए हैं और इसी दौरान टेस्ट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को चोट लग गई है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित शर्मा के हाथ पर चोट लगी। वेस्ट इंडीज के धाकर ऑलराउंडर आंद्रे रशफील ने बिग बैश लीग में अपना जलवा बिखेरा और तूफानी पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी। रशफील ने मेलबोर्न स्टार्स का प्रतिनिधित्व करते हुए केवल 21 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट और एक चौका 5 छक्के की मदद से नाबाद 42 रन बनाए। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आज बढ़ोतरी हुई। 48,109 रुपए में 10 ग्राम सोना मिल रहा है, वहीं 995 प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 47,916 रुपए में बिक रहा है, जबकि 916 प्योरिटी वाला गोल्ड 44,068 रुपए में मिल रहा है। 1 किलो चांदी कीमत 60,941 रुपए हो गई। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड प्लान्स को इस महीने की शुरुआत में रिवाइज किया था। अब प्लान्स पहले से महंगे हो गए, हालांकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तुलना में इसकी कीमत थोड़ी कम है। अब जियो ने SMS बेनिफिट और अफोर्डेबल प्लान को लॉन्च किया है। जियो के 119 रुपए वाले प्रीपेड प्लान में डेली 1.5 GB डेटा दिया जाता है। Amazon प्राइम मेंबरशिप 13 दिसंबर से महंगी होने जा रही है। कंपनी ने प्राइम के सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत में 20-50% तक की बढ़ोतरी की है। अब यूजर्स को लेटेस्ट वेब सीरीज और मूवीज देखने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। देश में आज 40वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके चलते आम जनता को ईंधन कीमतों के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 95.41 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 46.67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।